जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण 60 नंबर की पेडागॉजी की सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। जो ये पेडागॉजी है, ये केवीएस के लिए सबसे ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण है। मतलब आज हम बात करें तो केवीएस के 60 प्रश्नों की जो आपकी पेडागॉजी है, जी हाँ, इस सीरीज को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। यह मोहित सर के नोट्स है। जी हाँ, मोहित तेजस, आपने नाम सुना होगा। और ये मोहित सर के नोट्स है। मोहित सर के नोट्स आपने किताबों में पढ़े होंगे, बहुत सारे परीक्षाओं को पास करने के लिए आपने टेट सीटेट में पढ़े होंगे। और आज हम लोग मोहित सर के नोट्स के साथ इस 60 नंबर की पूरी तैयारी करेंगे। ई लर्निंग पर दरगे के साथ मिलकर उनके नोट्स हम सभी और आप सभी के लिए हैं। और इस नोट्स की संपूर्ण व्याख्या हम करेंगे, और आप जहां जरूरत पड़े इसकी स्क्रीनशॉट लेते चलेगा। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मोहित सर के पेज पर जाएंगे, फेसबुक पेज पर मोहित सर तेजेशियन, और उनके व्यक्तिगत आईडी पर भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए, हो सकता है बहुत सारे ग्रुप में भी आपको ये मिल गई हो। आज हम इस सेशन को पूरा अंत तक पढ़ेंगे। ये सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन जहाँ सिलेक्शन की बात आती है, वहाँ पर हर सभी हर एक तथ्य को, हर एक टॉपिक को, एकदम उन टॉपिकों को घुस के पढ़ेंगे जहाँ तक जरूरत है वहाँ तक। बहुत सारे अभी तक ये समझ नहीं पाएंगे सिलेबस में कहाँ कहाँ से सवाल आएंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे। ये 60 नंबर आपकी परीक्षा के लिए सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निर्णायक है। आप लोग भी जहां जरूरत पड़े इसकी स्क्रीनशॉट रखते चलिएगा। इस सीरीज को पूरा पढ़ने के बाद और इलेनी भी दरगेस नोट्स को अगर आपने पढ़ लिया होगा, तो कोई भी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, आपको लगेगा सर कि यहां से 80% सवाल आपके परीक्षाओं में आ रहे हैं। और हो सकता है परीक्षा हाल के अंदर जब आप बैठेंगे तो बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिनको आपको लगेगा हाँ, ये तो सीटेट से मिलता जुलता है, डीएसएसबी से प्रीवियस ईयर पेपर है। लेकिन एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को हल कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस सेशन को पूरा पढ़िएगा। सबसे पहले एक है आधारभूत साक्षरता अंकित क्षमता। मेरा आपसे सवाल भी रहेगा और जवाब भी देते चलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कक्षा कक्ष को रुचिकर बनाने के लिए उसमें सवाल पूछा जाना भी जरूरी होता है। और हम चाहेंगे कि अपने कक्षा कक्ष में हम पढ़ाते समय आपसे सवाल भी करते रहेंगे। और अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को आगे भी बने रहेगा और अंत तक जरूर बने रहेगा। जी हाँ, मेरा सवाल आपसे है FLN, क्योंकि जो सरकारी शिक्षक हैं वो इस सारे टॉपिक को अच्छे से जानते हैं, उन्होंने प्रशिक्षण इसको लिया भी है, पढ़ा भी है। लेकिन वो साथी जो कल का सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बनना चाहते हैं, उनके लिए हर चीजें महत्वपूर्ण नहीं भी हो सकती है। तो मेरा सवाल आपसे सभी से है, FLN का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। आइए सबसे पहले चलते हैं नेप 2020। तो सबसे पहले नेप का भी मैं फुल फॉर्म पूछता चलूंगा, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने पढ़ा दिया है और आगे भी आपको मिलेगा नेप 2020। हम चाहेंगे आपका नेप का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आगे इसके बारे में भी हम लोग को पूरा पढ़ने को मिलेगा। ये ऐसी पहली शिक्षा नीति है जिसमें प्री स्कूलिंग को ऐड किया गया है। प्री स्कूलिंग, जिसे आप कॉन्वेंट स्कूल में, हम प्राइवेट स्कूल में कहते हैं LKG UKG, तो वहां पर जो LKG UKG की बात की जा रही थी ना, आज हम नई शिक्षा नीति में इन्हें प्री स्कूलिंग के नाम से जानते हैं। और उसमें भी थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा कि प्री स्कूलिंग में क्या आपको नया देखने को मिला। तो प्री स्कूलिंग को ऐड किया गया है। इस नीति में कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। माने जो नई शिक्षा नीति 2020 है, एक ऐसी पहली शिक्षा नीति है जिसमें प्री स्कूलिंग को भी ऐड किया गया, जोड़ा गया। वैसे पहले जो है सरकारी स्कूल जो थे, प्राइमरी स्कूल थे, कक्षा 1 से शुरू होते थे, लेकिन अब आपको प्री स्कूलिंग भी नई शिक्षा नीति में देखने को मिलने वाले हैं। तो यहां पर 1 से 3 तक के बच्चे जो थे, कक्षा 1 से 3 तक, माने 1, 2 और 3 के जो बच्चे थे, इन बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने पर विशेष बल और जोर दिया गया। अब यहां पर 2-3 शब्द आपके मन में आ रहे होंगे, ये बुनियादी साक्षरता क्या है, क्या आपके भी मन में आए? हो सकता है परीक्षा में आपके यही सवाल पूछ दे कि बुनियादी साक्षरता क्या है। तो चलिए, हम उस प्रश्न से, हर उस प्रश्न से तैयार है लड़ने के लिए जहां सबके परीक्षा में सवाल आ सकते हैं। बुनियादी साक्षरता अर्थ क्या है? मौखिक विकास, पढ़ने का प्रवाह, पाठ बोधन, लेखन, डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब है ध्वनि व आकार में तालमेल। जैसे अगर मैं पूछ दिया ये क्या लिखा है, तो बच्चा बताएगा सर क है, तो उसने डिकोड कर दिया। और जब मुझे बताया, ये ध्वनि से बताया, क आकार में इसका तालमेल भी है। अब जैसे ये कह दिया मैंने, क्या है, ख, क, ख, ग, घ, कहां पे जोर लगाना है, कहां पे कम करना है। तो बुनियादी साक्षरता का मतलब क्या है, मौखिक विकास की बात किया जा रहा है। पढ़ने का प्रवाह, पाठ बोधन, लेखन, डिकोडिंग, यह बुनियादी साक्षरता के अंतर्गत आने वाले वे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिन्हें आप नोट डाउन करते चले या इसकी स्क्रीनशॉट करते चलिए, आपकी मर्जी है। दूसरी है, साक्षरता के बाद, बुनियादी साक्षरता के बाद संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने पर। यह संख्यात्मक
जो संख्यात्मक ज्ञान है ये क्या होता है, क्या आपके मन में भी ये सवाल आया है? तो जरूर इसके बारे में जानेंगे। संख्या बोध, संख्या बोध का मतलब समझ रहे हैं कितना है, एक दो तीन चार पांच, ये संख्या बोध है। नाप, नाप का मतलब ये मोहन बड़ा है कि सोहन बड़ा है, रहीम बड़ा है कि करीम बड़ा है, सत्येंद्र बड़ा है कि विजेंद्र बड़ा है। तो यहां पर इस नाप की बात की जा रही है, कौन सा पेड़ सबसे बड़ा स्कूल में है, कौन सा सबसे छोटा है, किसका बैग सबसे भारी है, ये आकार की बात कर रहा है। क्लास में सबसे मोटा कौन है, सबसे पतला कौन है, स्थानिक समझ की बात की जा रही है। अच्छा, कौन सा नजदीक है, कौन सा पास में है, किसका घर नजदीक है, किसका घर पास में है, मोहन की बहन किस कक्षा में है, वो कक्षा कितनी दूर है यहां से, जो नल है टोटी वो दूर है या कक्षा पास का कमरा। तो इस तरह से बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान की जो बात की जा रही है उसका अर्थ है संख्या बोध, नाप, आकार, स्थानिक संबंध के समझ की बात की जा रही है। इसलिए इस दोनों टॉपिक को यहां तक याद करिएगा, हर एक लाइन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन भी दबा कर रखिएगा, पैसे नहीं कटने वाले हैं आपके। आप देख रहे मोहित तेजा सर के लिखे नोट्स, उनके हैंड रिटन नोट्स हैं और उन्होंने कहा कि आप सभी तक इसको नोट्स को पहुंचाया जाए, तो मैं अपना काम कर रहा हूं ताकि आप सभी लोगों तक यह नोट्स पहुंच जाए। ठीक है, चलते हैं इसके और आगे। तो हमने आपने देखा नेप 2020 फुल फॉर्म अभी तक आपने कमेंट नहीं किया, प्रत्येक छात्र को FLN में जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया। माने 2020 में प्रत्येक छात्र को FLN से जुड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया निपुण भारत। आप लोग जानते होंगे, जो सरकारी शिक्षक हैं वो जानते होंगे अच्छी तरह से निपुण क्या है, लेकिन मैं आपसे आज जानना चाहूंगा ये निपुण भारत मिशन क्या है। एक सवाल आपके परीक्षा में आता है, इस निपुण का फुल फॉर्म क्या होगा? तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और यहां पे देख रहे हैं निपुण का फुल फॉर्म दिया गया, इस फुल फॉर्म को याद करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि हो सकता है आपकी परीक्षा में FLN का फुल फॉर्म, NEP का फुल फॉर्म, NCF का फुल फॉर्म, IT का फुल फॉर्म, निपुण का फुल फॉर्म, कोई एक फुल फॉर्म आपकी परीक्षा में आ जाए तो फिर तैयार हो जाइए ना। आगे देखते हैं इसकी शुरुआत कब की गई थी, निपुण भारत की शुरुआत कब की गई थी। तो निपुण भारत की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को की गई थी मोस्ट IMP। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था। ऊपर जो हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े, बुनियादी साक्षरता, बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान, तो बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था। किसका? निपुण भारत का। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक के टॉपिक आप सभी को समझ में आ चुके होंगे। फिर भी अगर किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। आगे अगर हम बढ़े, इस मिशन के तहत 3 से 9 वर्ष, देखिए ये निपुण भारत का लोगो है, लोगो आपने कई बार देखा होगा प्राथमिक स्कूलों में, किसी भी भारतीय किसी राज्य से आप वीडियो को देख रहे हो सभी जगह यही है। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ने लिखने व संख्या से ज्ञान से जुड़ी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, लक्ष्य हासिल करने की जो सीमा रखी गई है, समय सीमा। एक सवाल आता है कि निपुण भारत की जो लक्ष्य है इसे हासिल करने की समय सीमा क्या है? तो 2026-27 तक निपुण भारत मिशन के सारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे भारत में जो समय सीमा है वो 2026-27 है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेंगे। तो निपुण भारत का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया। मेरा सवाल फिर वही आता है, निपुण का फुल फॉर्म क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यही सवाल भी आ सकता है परीक्षा में, तब कहेंगे हाँ दुर्गेश सर ने तो पूछा था। दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, ECCE, ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये क्या है ECCE, क्या है? आपके मन में भी सवाल आया होगा क्या है। तो चलिए, ये नई शिक्षा नीति नेप 2020 द्वारा प्रस्तावित 5+3+3+4, तो आपके मन में आएगा सर ये क्या है 5 3 3 4, तो आप इसको कमेंट करके बताइए। आगे हम नई शिक्षा नीति एक टॉपिक ही पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छे से समझेंगे। इस प्रणाली में 3 वर्ष की उम्र से प्रारंभिक बचपन
देखभाल शिक्षा के एक मजबूत आधार शामिल किया गया है। नेप 2020 में ECCE पर जोर दिया गया है और यह शिक्षा मुख्य रूप से लचीली होगी, खेल पर आधारित व गतिविधियों पर आधारित होंगी और नई शिक्षा नीति 2020 में कक्षा एक से पहले तीन से छह वर्ष की आयु के मध्य 3 साल की आंगनवाड़ी माने प्री स्कूल बालवाटिका प्रस्तावित है। जी हाँ, मतलब शुरुआत के जो 3 से 6 साल होंगे माने 3+2 की बात की जा रही है, माने प्री प्राइमरी बालवाटिका आंगनवाड़ी जो होगी वह इस 3 सालों में होगी, उसके बाद कक्षा 1 और फिर कक्षा 2। मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर प्री प्राइमरी के 3 साल, प्री प्राइमरी के 3 साल, फिर ये 2 साल, इस 2 साल में क्लास की बात की जाए 1 और 2, ये क्लास हो गई आपकी, ये कक्षा हो गई, ये आपकी कक्षा हो गई, ठीक है। तो अब यहां इसका उद्देश्य क्या था, ECCE का उद्देश्य क्या था, तो बच्चों का शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने के लिए नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी स्कूल आंगनवाड़ी बाल बालिका को प्रस्तावित किया गया, जो कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष की आयु के मध्य 3 साल तक चलेगा, जिसका उद्देश्य बच्चों का शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान विकसित करना है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया हो, तो इसके स्क्रीनशॉट भी अपने साथ करते चलिए ताकि हर टॉपिक का आपके पास नोट्स। वैसे क्लास के समाप्ति होने के बाद टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और तेजिशियन फेसबुक पेज से और मोहित तेजस सर के नाम से और फेसबुक से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। यूनिट 4, मतलब यूनिट ऊपर नीचे पे मत घबराइएगा, टॉपिक पढ़िएगा, हमारा उद्देश्य आपके टॉपिक पर है। इसलिए कुछ लोग कहना होगा सर अभी यूनिट कौन सा था, ये यूनिट कौन सा, वो पेज कौन सा था, इन सब बातों पे छोड़िए, हमेशा टॉपिक पर फोकस करिए। जो जो आपके सिलेबस में टॉपिक है हम उन सभी टॉपिकों को फोकस करना है। यहां पर है विद्यालय मासिक स्वास्थ्य की अवधारणा, विद्यालय मासिक स्वास्थ्य की अवधारणा, सभी छात्रों व स्टाफ के लिए मासिक स्वास्थ्य के उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रोत्साहनात्मक पहलू, ये आपका टॉपिक है जो सिलेबस में आपको दिया गया है विद्यालय संगठन व नेतृत्व के नाम से, शायद याद होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग इस बात से लेकर परेशान है कि सर मुझे इसकी नोट्स कहां से मिलेगी, इसकी टॉपिक कहां से मिलेगी, ये तो यूट्यूब पर भी नहीं मिल रहा है, तो लेकिन आप ध्यान रहे या इलर्निंग विद दुर्गेश पर आपको मिल जा रहा है। लैंडले का कहना है मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य की योग्यता, ये इंपॉर्टेंट है, कथन भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो पढ़ते चलिए ना, सिलेक्शन जो लेना है आपको। WHO, अब WHO को फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अच्छा जाते जाते एक सवाल बताइएगा, इसका मुख्यालय कहां पर है, EVS भी तो आपके सिलेबस में है, तो WHO का मुख्यालय कहां पर है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। WHO में कुल सदस्य देश कितने हैं, कमेंट करके जवाब दीजिएगा, अगर वीडियो आपने यहां तक देख लिया है तो। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है मन की स्वस्थता से, कि मन शुद्ध होना चाहिए, इसमें किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता का अनुभव रहता है, वह तनाव का सामना कर सकता है और समाज में अपना लाभकारी योगदान दे सकता है। अगर कोई स्वस्थ मस्तिष्क है तो कहा जाता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, अगर मस्तिष्क स्वस्थ है, मानसिक रूप से अगर इंसान स्वस्थ है तो अपनी क्षमताओं का, अनुभव का पूरा प्रयोग कर सकता है, वह तनाव का सामना भी कर सकता है और समाज के लिए लाभकारी योगदान दे सकता है और आपकी तरह सिलेक्शन लेके सरकारी अध्यापक और अध्यापिका भी बन सकता है। आगे हम देखेंगे इस टॉपिक में, सुखी जीवन के लिए जितना आवश्यक हो शारीरिक स्वास्थ्य उतना ही आवश्यक है मानसिक स्वास्थ्य, माने शरीर स्वस्थ रहने के साथ साथ मस्तिष्क के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना ही आवश्यकता है जितना कि सुखी जीवन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य की। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी कठिनाइयों को दूर कर हर परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर लेता है, मतलब यहां पे साफ और स्पष्ट है कि
सुखी जीवन के लिए जितना आवश्यक शारीरिक स्वास्थ्य है उतना ही आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी कठिनाइयों को दूर कर हर परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर लेता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति, ध्यान से देखिएगा, कुछ अहम और महत्वपूर्ण बिंदु है जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। यहां पे है चिंता रहित, पूर्णतः समायोजित, आत्मविश्वासी, संवेगात्मक रूप से स्थिर होता है। तो जहां आपको लग रहा है कि छोटा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, उसको मेरे मुंह से सुनिए, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं क्लिक। तो यहां पे अगला है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ विद्यार्थियों का लक्षण क्या है। आइए ध्यान से देखते हैं कि जो मानसिक रूप से अस्वस्थ विद्यार्थी होते हैं उनके लक्षण क्या है। फिर दूसरी तरफ है कि मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं। देखिए लक्षण क्या है, चिड़चिड़ापन। एक सवाल आता है निम्नलिखित में से, अगर कोई अभ्यर्थी बच्चा चिड़चिड़ापन है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहां पर इन सभी का सबसे पहले कारण जानना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप कहेंगे सर मोहित सर के नोट्स में नहीं था, दुर्गे सर के नोट्स में तो नहीं था। तो प्रश्न को पढ़िए और जब परीक्षा हाल के अंदर जाएंगे तो अपने दिमाग का भी प्रयोग आपको करना है। नोट्स पढ़ने के बाद यहाँ पे रख लेना है और उसके बाद मानसिक रूप से स्वस्थ होकर परीक्षा हाल के अंदर रहेंगे तो लगेगा कि जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपको पढ़ाया गया, उससे बाहर जो सवाल नहीं पूछे हूबहू नहीं मिलने वाले हैं। चिड़चिड़ापन होना, आत्मविश्वास की कमी होने से भी डर लग रहा है यार मेरा होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन। अरे पहले पढ़ो तो सही यार, आत्मविश्वास लो आपका होगा, आपका सिलेक्शन होगा, आपने इतनी मेहनत की है, लगातार रात दिन लिख करके पढ़ा, फिर आपका क्यों नहीं होगा, आपका नहीं होगा तो किसका होगा। आत्मविश्वास की कमी, एकाग्रता में कमी, पढ़ते यहां है ध्यान लगाए अपने प्रेमी प्रेमिका के ऊपर, ध्यान लगाए अपने मित्र के ऊपर, अपने सहेली के ऊपर, अपने सहेला के ऊपर ध्यान लगाए तो कहां से पढ़ पाएंगे आप। एकाग्रता में कमी, यह भी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के लक्षण है। तनावग्रस्त होना, हमेशा तनाव में रहना, मेरा नहीं होगा, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगी, भैया क्या कहेंगे, मेरी वाइफ क्या कहेगी, मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे, मेरा भाई क्या कहेगा, दादा क्या कहेंगे, अरे भाड़ में जाए दुनियादारी, आपने मेहनत की आपका सिलेक्शन होगा, तनावग्रस्त है, ये भी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के लक्षण है। नकारात्मक दृष्टिकोण, सोचते हैं अरे यार मेरा नहीं होगा, पता नहीं मैंने पढ़ा था लेकिन जब मैं पेपर करता मेरा नहीं होगा, मैं लेट पहुंचूंगा, मतलब पहले से नेगेटिव थिंकिंग, हमेशा बी पॉजिटिव रहिए, आपका होगा और आपका नहीं होगा तो फिर किसका होगा। आपने इतनी मेहनत की, आपने दुर्गे सर के नोट्स पढ़े, मोहित सर के नोट्स पढ़े, मोहित सर की क्लासेस पढ़े, दुर्गे सर की क्लास पढ़े, इतनी मेहनत आपने खुद से की है तो फिर क्यों नहीं होगा आपका। तो यह सारे मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों के लक्षण हैं। चिड़चिड़ापन होना, आत्मविश्वास की कमी, एकाग्रता में कमी, तनावग्रस्त, नकारात्मक दृष्टिकोण। और ऐसी कोई दिक्कत है तो बच्चों से बारे में जानना शिक्षक का कर्तव्य है, जैसा कि आपने सिलेबस में पढ़ा होगा, पेपर में भी आते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक, शारीरिक बीमारी, कभी कभी ये सारी समस्याएं शारीरिक बीमारी की वजह से आ सकती हैं। जटिल पाठ्यक्रम, इतना बड़ा पाठ्यक्रम है कैसे तैयारी होगी, कैसे करना है। पारिवारिक तनाव, कभी कभी दिक्कत होती है परिवार में, समस्या है, कभी कैजुअलिटी हो जाती है, कभी झगड़ा लड़ाई होती है, कभी और समस्याएं होती हैं। स्कूली वातावरण, सामाजिक असमानता, भेदभाव, ऊंच नीच, जातिपात आदि को लेकर, तो मतलब ये स्वास्थ्य पर जो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले ये सब बिंदु हैं और इधर उसके लक्षण हैं। तो उम्मीद करते हैं यहां से अगर परीक्षा में कितना भी घुमा के प्रश्न आएगा आप आसानी से सही कर लेंगे ना। अभी भी कोई डाउट कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, ठीक है। अगला है विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय क्या क्या है। तो कैसे इसको बेहतर बनाया जाए, सबसे पहले पॉजिटिव रहिए और नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। और ये मान के चलिए आपने फॉर्म भरे हैं, आपने तैयारी की है, आपने पढ़ाई की है, आपका सिलेक्शन होगा, आपको सिलेक्शन से कोई माइक लाल रोक नहीं पाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं टॉपिक की बात करते हैं। पहले घर का वातावरण हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, स्कूल का वातावरण, अध्यापन शैली, आप कुछ लोग पुरानी शैली पढ़ते आ रहे हैं, चीज़ों को अपडेट करिए, ध्यान से पढ़िए। और प्रश्न के पैटर्न अब बदल रहे हैं, कूट वाले सवाल आ रहे हैं, नहीं है वाले सवाल आ रहे हैं, अब थियरी की तरह सवाल आ रहे हैं, पुराने घिसे पिटे मत पढ़िए। पेरेंट्स की काउंसलिंग, शिक्षकों से को हमेशा गार्जियन से मिलना चाहिए, गार्जियन के भी अहम रोल होते हैं, उनके भी जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, जैसा कि हमने देख लिया घर का वातावरण। तो घर के वातावरण में पेरेंट्स भी आते हैं, इसलिए पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। संतुलित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम संतुलित नहीं है, संतुलित करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि संतुलित अगर पाठ्यक्रम है तो उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। तो उनके इतने उपाय हैं उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। एग्जाम प्रिपरेशन,
अब सपने सच होंगे, मोहित सर का कोटेशन है याद रखिएगा, अब सपने सच होंगे, एग्जाम प्रिपरेशन, तो मोहित सर को जान ही रहे आप लोग। ठीक है, हम आगे चलते हैं। काउंसलर की उपयोगिता, आप कहेंगे सर काउंसलर की उपयोगिता कहां से आ गई, वे बच्चों की समस्याओं को दूर कर मुख्य धारा से जुड़ने का काम करते हैं, जो काउंसलर होते हैं। अब जो हम जैसे लोगों का काम क्या है, आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए जादू तो है नहीं, छू मार दिया सिलेक्शन हो गया, आपको मेहनत करना है। हम केवल मार्ग दिखा सकते हैं, ये पढ़ लो, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, लेकिन मेहनत तो आपको करना है ना। तो काउंसलर की उपयोगिता क्या होती है, उनकी समस्याओं को दूर कर मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर सकते हैं, ये सही करियर चुनने में छात्रों की मदद कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र इस बात को लेकर रहते हैं, अरे यार चलो थोड़ा सा नेट का पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा टेट का पढ़ लेते हैं, कुछ दिन पीजीटी पढ़ लेते, कुछ दिन टीजीटी पढ़ लेते, तो घर के होते हैं घाट के होते हैं। हमेशा एक लक्ष्य पर फोकस करिए, एक लक्ष्य पूरा हो, दूसरा, दूसरा पूरा हो, तीसरा, तो क्रम से चलिए। छत पर जाना हो, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, उड़ के तो पहुंचते नहीं है आप। दूसरी बात, मानसिक रूप से अस्वस्थ छात्रों के परामर्श के लिए प्रमुख को काउंसलर उपलब्ध कराना, मतलब मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे हैं उन्हें परामर्श के लिए प्रमुख को काउंसलर उपलब्ध, मतलब प्रमुख काउंसलर उपलब्ध कराना चाहिए, मतलब जो उनको हैंडल कर सके, जो समझा सके, ऐसा नहीं कोई भी आए तो कुछ भी कर दे। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अब हम अगले पेज की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपके सामने पेज नंबर 3 है, शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य। अब शिक्षक भी स्वस्थ होना चाहिए, अब वो पूरा अस्वस्थ घर से आ रहा है, इसे लटका हुआ है और मानसिक रूप से परेशान है, तो आपको क्या खाक समझाएगा, क्या खाक पढ़ाएगा, खुद वो निगेटिव थिंकिंग में पड़ा हुआ है, अरे यार क्या होगा, मैं बंदर रहूंगा, बाहर हो जाऊंगा, मेरी भर्ती में मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, अरे पहले पेपर दो, पहले तैयारी तो करो। तो यहां पर देखिए, शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य पर, मैंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा की जा रही है, यह जरूरी हो जाता है कि शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा हो। शिक्षकों की यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ संपूर्ण विकास में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए एक अध्यापक का मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। ये बात तो आप समझ ही गए हैं। अब आवश्यकता क्यों है, सीखने में सकारात्मक माहौल स्थापित करने मदद करता है, बच्चों के साथ संबंध विकसित करने मदद करना, मतलब बच्चों के साथ आत्मीय संबंध होना चाहिए। कोई भी बच्चा आए आपसे सवाल पूछ ले, जैसे आपके मन में जो भी आए, लड़का हो, लड़की हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, अपने सवाल खुलकर पूछ सके, बच्चों के साथ आत्मीय संबंध बनाना है। तो FLM की जो मैंने बताया आपसे, फुल फॉर्म पूछा अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, अब तो दे दीजिए, तो उसमें यही बताया जाता है कि बच्चों के साथ आत्मीय संबंध होना जरूरी है। अगर आपसे कोई बच्चा डर रहा है, झिझक रहा है, तो बताएगा नहीं कि अच्छा उसे पता चला गणित नहीं आ रही तो कच्चा कच्चे बोली नहीं रहा सर नीचे क्यों हुआ कि आप डांट देंगे, तो अगर खुलकर बोलेगा आपसे, आपसे मित्रवत संबंध रहेगा, तो खुलकर अपनी समस्या, अपनी परेशानी आपके सामने रखेगा, हो सकता है आपके पास उसकी परेशानी का हल हो, इसलिए यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आवश्यकता में थोड़ा सा इरर हो गया है, तो इसको सही कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और लिखने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, इंसान ही है, मानवीय त्रुटि होती रहती है। चलिए हम और आगे चलते हैं। यहाँ पे आवश्यकता भी, ये भी सही है अपने जगह पे। तो आगे हम देखते हैं काम की अधिकता, जब मानसिक रूप से अस्वस्थ कैसे होता है, काम की अधिकता हो, ठीक है, पारिवारिक कारण हो, शारीरिक कारण हो, प्रेरणा का अभाव, खुद डिमोटिवेट हो, शारीरिक कारण माने विकलांगता हो या कोई अन्य बीमारी हो जाए, कोविड हो जाए बेचारे को, पारिवारिक कारण हो, पैसे की दिक्कत हो, झगड़ा लड़ाई हो रही हो, काम बहुत बहुत प्रेशर पड़ रहा हो, जैसे स्कूल भी जाना है, फिर बच्चे के समय पर अपने टाइम निकालकर बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाना भी है, ऐसे भी बहुत बार ऐसी समस्याएं आती हैं, तो इसके लिए भी वो मानसिक रूप से बेचारा परेशान हो जाता है। अगला है, शिक्षकों के लिए सुझाव, रोज नए सिरे से शुरुआत करें, प्रेरक सहयोगियों के साथ जुड़े रहें, प्रकृति से जुड़े रहे, हमेशा बी पॉजिटिव रहे। ये बच्चों के लिए भी है, शिक्षकों के लिए भी है, और अभिभावक के लिए भी है। वैसे पहली लाइन तो मेरे शिक्षक के लिए है कि रोज नए सिरे से शुरुआत करें। शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रखने के उपाय क्या हैं? ये तो आप भी जानते हैं, उनसे गैर से अच्छे कार्य ना कराया जाए। ठीक, अब उनसे ऐसा नहीं है कि जितने लोग मारे गए उनकी काउंटिंग करिए, जो लोग गाँव में बाहर से कमा के और उनकी संख्या बताइए, कौन कितना कमा रहा है, मतलब उनका काम केवल पठन पाठन का होना चाहिए। कार्य संतुलन, प्रशिक्षण, प्रेरणा, मोटिवेशन भी होती रहे, और समय समय पर उनके कार्यों के बदले पुरस्कार भी मिलता रहे, ताकि वो उससे और बेहतर करने का प्रयास करें। तो शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य के उत्तम रखने के ये 4 प्रमुख उपाय हो सकते हैं। इसके अलावा कौन सा उपाय हो सकता है, कॉमेंट करके जवाब आप दीजिएगा। आप भी तो कल को सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बनने जा रहे हैं, आपको भी अपने जवाब देना चाहिए। कमेंट करते हैं, सैलरी टाइम से आनी चाहिए। हाँ,
चलिए अगली यूनिट है। मतलब इस यूनिट टू में पेज नंबर में मत जाइएगा, इस यूनिट टू का शिक्षण अधिगम को समझना, मतलब इस टॉपिक पे फोकस करते हैं, मतलब यूनिट टू पे जो टॉपिक है शिक्षण अधिगम को समझना, और हम आपके साथ समझते हैं। टॉपिक 13 है, आगे भी आपको पूरी टॉपिक मिलेगी, बस ऊपर नीचे क्रम में मिलेगा। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की अवधारणा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या, जैसे कुछ लोग कहते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस सवाल आते हैं, परीक्षा में तो आउट ऑफ सिलेबस पूछा था, अरे भगवान आपने उसके अप्रत्यक्ष सिलेबस पे तो चर्चा ही नहीं की, उसके पाठ्यचर्या पे बात ही नहीं की, इसलिए दुर्गेश नोट्स पढ़ लेते हैं, मोहित सर के नोट्स पढ़ लेते हैं, ये सिलेबस के साथ साथ आउट ऑफ सिलेबस को भी कवर करता है। क्यों? किताबें तो बहुत सारी मार्केट में है, लेकिन हर किताब अपने आप ही महत्वपूर्ण नहीं, जैसे कोई व्यक्ति अपने आप महत्वपूर्ण नहीं होता। उसी तरह पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की अवधारणा हम लोग को पढ़ना है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या की भी चर्चा करना है। आइए देखते हैं कनिगम के अनुसार, कनिगम के अनुसार हो सकता है ये भी पूछ ले लाइन आपके, पाठ्यचर्या अध्यापक रूपी कलाकार के हाथों में वो साधन है जिसके द्वारा वह अपने जो पदार्थ रूपी शिष्य को अपने कलाग्रह रूपी स्कूल में अपने आदर्शों अनुसार रूप प्रदान करता है। तो कनिगम के अनुसार ये पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या माने शिक्षण का अधिगम को समझना में पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की अवधारणा पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या की बात की गई है। आइए एक छोटे से टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पाठ्यचर्या। ये पाठ्यचर्या है क्या आपके मन में भी आया हो गया जब आप एनसीएफ 2005 पढ़ते हैं, इसका जरा फुल फॉर्म बताइएगा। तो एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है? कहेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, तो भैया इसका हिंदी में ही अंग्रेजी में बताना है आपको। पाठ्यचर्या दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्यधनचर्या, पाठ का मतलब पढ़ने माने पढ़ाने योग्य, चर्या का मतलब नियम पूर्वक अनुसरण करना, माने पढ़ाने योग्य नियम पूर्वक अनुसरण, मतलब पढ़ने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं को नियम अनुसार या नियम पूर्वक अनुसरण करना। हाँ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 सही जवाब है। तब तक आप एक और फुल फॉर्म बताइए, आरटी 2009, आरटी का फुल फॉर्म बताइए। पाठचर्या विद्यालय में होने वाली सभी क्रियाकलापों का योग होता है, माने पाठचर्या विद्यालय में होने वाली सभी क्रियाकलाप, वो खेल से भी जुड़ा होता है इसलिए खेल को भी मत बाहर करिएगा। पाठचर्या विद्यालय में होने वाली सभी क्रियाकलापों का योग जोड़ होता है। अब पाठ्यक्रम क्या होता है, इसे सिलेबस कहते हैं। पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना, पाठ्यधन क्रम अर्थात वह विषय वस्तु जो क्रम से व्यवस्थित हो वो पाठ्यक्रम कहलाता है। केवीएस का अपने सिलेबस पढ़ लिया होगा, अपने सुपरटेट का सिलेबस पढ़ लिया होगा, सीटेट का, यूपीटेट का, तो वही पाठ्यक्रम की बात कर रही है। पाठ्यक्रम में आपका विषय वस्तु आती है जो क्रम से व्यवस्थित हो, और पाठ्यचर्या में विद्यालय के अंदर सभी क्रियाकलापों को रखा जाता है, उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम भी सम्मिलित होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, यह आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर, पाठ्यचर्या पूर्ण होता है, पाठ्यचर्या पूर्ण है और पाठ्यक्रम इसका अंश है। इसका अर्थ बहुत ही व्यापक है, लेकिन इसका अर्थ क्या संकुचित, जितना है उतना ही है, लेकिन पाठ्यचर्या का जो है वो बहुत जितना सोच सकते हैं विद्यालय के अंदर जो भी सोच सकते हैं वो सब पाठ्यचर्या है, लेकिन पाठ्यक्रम क्या है निश्चित है। पाठ्यचर्या इससे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव है, लेकिन पाठ्यक्रम से व्यक्तित्व के एक अंग ज्ञानात्मक का ही विकास हो सकता है संभव। पाठ्यचर्या इसमें कच्चा में अंदर और बाहरी क्रियाएं शामिल है, लेकिन अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें इसमें सिर्फ कक्षा के अंदर क्रिया भी शामिल है। पाठ्यचर्या यह संपूर्ण विद्यालय की चर्चा है, लेकिन अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो विषय वस्तु का केवल एक ही मात्र एक क्रम मात्र है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा, वैसे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी क्लास समाप्त होने पे, वैसे आपकी इच्छा क्या करना है। तो हम और आगे चलते हैं अब अगले यूनिट की तरफ, विद्यालय संगठन और नेतृत्व। इसमें टॉपिक नंबर 4 आपके सामने है, पेज पे मत जाइएगा क्योंकि भी मैंने बताया सब मिलेगा, ऊपर नीचे क्रम से मिलेगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश आकर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे आपके। अब यहाँ पर आपके सामने है शिक्षण अधिगम को मजबूत करने के लिए स्कूल प्रक्रियाओं व मंचों का उपयोग, मतलब शिक्षण अधिगम को मजबूत करने के लिए स्कूल प्रक्रियाओं व मंचों का उपयोग कैसे करके करेंगे भैया। आइए इस पर भी हम लोग देखते हैं, इस पर भी सवाल जवाब कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी आपके सवाल परीक्षा में पूछे जाए, तो उन पर भी हम लोग अपनी तैयारी जारी रखेंगे। एक है वार्षिक कैलेंडर स्कूल असेंबली, तो ये जानते हैं वार्षिक कैलेंडर क्या है, स्कूल असेंबली क्या है, पीटीएम क्या है, बहुत बार आपने सुना होगा पीटीएम है, एसएमसी है,
तो पीटीएम में क्या होता है, इसको पैरेंट टीचर मीटिंग कहते हैं, एसएमसी का फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। आगे मैं इस पर भी बात करूंगा, इस पर भी चर्चा करूंगा, जो इसका नोट्स में भी जिक्र है। वार्षिक कैलेंडर क्या होता है, इसमें स्कूली शिक्षा सभी तरह के नियम दिशा निर्देश होते हैं। पूरे वार्षिक कैलेंडर में स्कूली शिक्षा की सभी तरह के नियम व दिशा निर्देश होते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्कूल असेंबली की बात करते हैं। क्या है स्कूल असेंबली, यह स्कूल की सुबह की दिनचर्या स्कूल का अनिवार्य हिस्सा होता है। इसमें छात्र शिक्षक सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। आपने देखा होगा कि प्रार्थना होती है सुबह सुबह, तो जब प्रार्थना होती है ना, सारे बच्चे फील्ड में खड़े हो जाते हैं, टीचर भी खड़े हो जाते हैं, दो तीन बच्चे आते हैं प्रेयर कराने के लिए, तो यही असली स्कूल असेंबली है। इसमें क्या होता है, प्रार्थना होती है, पीटी होता है, कुछ सवाल होता है, जीएस जीके के सवाल होते हैं, बच्चे भी अपने सवाल पूछते हैं, पूछा जाता है कि सब लोगों ने नाखून काट लिया है, बाल बड़े नहीं है, कल से आप लोग सफाई से आइएगा, और भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, और अपने सिलेबस के अलावा, माने जीएस जीके, तो इसी को हम लोग स्कूल असेंबली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्कूल असेंबली कहा जाता है। इसमें और चीजों को जानते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है। तो जो वार्षिक कैलेंडर होता है इसका है, यह वर्ष भर सीसीई परीक्षा की तिथियां, गतिविधियां आदि का समय निर्धारित होता है। अब यहां पर सीसी का फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट करिए, आगे आपको इसी वीडियो में मिलेगा, ठीक है। उद्देश्य, इसके माध्यम से स्कूल असेंबली का उद्देश्य क्या होता है, इसके माध्यम से राष्ट्र भावना के नेतृत्व अभिव्यक्ति का कौशल, मैंने सारे बच्चे अपने सवाल भी पूछ सके, वो भी खुलकर बोल सके, समुदाय व स्कूल से जुड़ाव, समुदाय का स्कूल के साथ जुड़ाव, भावनाओं को मजबूत करने में मदद करती है। इसलिए स्कूल असेंबली बहुत ही अनिवार्य जरूरी भी होता है। इसी के साथ हम और आगे चलते हैं। आगे आपके सामने है अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम। इसका क्या कारण क्या है, बच्चों की प्रगति, व्यवहार आदि पर खुलकर चर्चा करने के लिए पीटीएम का आयोजन होता है। बच्चे की प्रगति रेट क्या है, प्रगति ग्रोथ क्या है, उसका कक्षा कक्षा में व्यवहार क्या है, इसके लिए उनके गार्जियन को बुलाया जाता है। और आगे देखेंगे हम लोग, उद्देश्य इसका क्या होता है, बच्चों के समग्र विकास में अभिभावक और शिक्षकों की समान भागीदारी स्थापित करने के लिए पीटीएम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पीटीएम का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके जवाब देना है भाई। जीवंत कक्षा होनी चाहिए, हम पूछें तो आप भी बताते रहें। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी क्या होती है, तो आईटी 2009 राइट टू एजुकेशन, मैंने ऊपर आईटी के बारे में बताया था अभी, कि धारा 21 में एसएमसी के गठन की बात कही गई है। इसमें विद्यालय में नामांकित बच्चों के जो माता पिता शिक्षक के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाले एसएमसी के गठन का प्रावधान किया है, जो उसमें बच्चे पढ़ रहे उनके अभिभावक ही होंगे। इसका उद्देश्य क्या होता है, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम माने राइट टू एजुकेशन 2009 में प्रदत्त बाल अधिकारों के सामान्य जानकारी देना, विद्यालय माता पिता अभिभावक एवं संरक्षक के कर्तव्यों की जानकारी देना। आगे देखते हैं हम लोग स्टाफ मीटिंग। स्टाफ मीटिंग क्या है, इसमें अकादमिक व प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा होती है। स्टाफ मीटिंग में क्या होती है, इसमें अकादमिक माने बच्चों के जो पाठ्यक्रम है, पाठचर्या है, उनका सिलेबस क्या है, उनकी जो ग्रोथ रेट जानना है, उसके लिए अकादमिक व प्रशासनिक मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होती है। कभी कभी खाने की बात भी हो जाती है, आपके बात भी हो जाती है कि भर्ती कब आएगी, नए बच्चे कब आएंगे, नए लोग सेलेक्ट होकर कब आएंगे, इस पर भी कभी कभी स्टाफ मीटिंग में बात हो जाती है। उद्देश्य, ये समस्याओं को संयुक्त रूप से चर्चा और समाधान हेतु मंच भी देते हैं। आगे चलते हैं समय सारणी। तो ये जान लीजिए कि इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि समय सारणी क्या, लचीला होना चाहिए। जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरव्यू का विषय है, आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। जो फुल फॉर्म मैं आपसे पूछ रहा हूं या आपकी परीक्षा पास करने के बाद आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। समय सारणी क्या है, समय सारणी प्रत्येक गतिविधि का उल्लेख करती है, कब शुरू होगी कब खत्म होगी, यह महत्वपूर्ण घटनाओं का एक कार्यक्रम है। समय सारणी लचीली होनी चाहिए, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, इसके द्वारा स्पष्ट होता है कि किस समय क्लासरूम में क्या हो रहा है। समय सारणी प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में बनाई जाती है, ठीक है, और समय अनुसार बदली भी जाती है। डेटा मीटिंग, ये कहेंगे डेटा मीटिंग क्या है, या तो आपको पहली बार सुनने को मिला होगा,
एक ऐसी मीटिंग जिसमें बच्चों के मूल्यांकन से प्राप्त डेटा की मदद से उनके प्रदर्शन विश्लेषण के लिए की जा सके। ये प्राय स्टाफ मीटिंग मैंने भी बताया ना ऊपर होता है कि बच्चे का क्या ग्रोथ रेट रहा है, किस विषय में बच्चे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, किसमें कम कर रहे हैं, कौन से इसमें टीचर की लापरवाही क्या है, इसमें पाठ्यक्रम की क्या लापरवाही है, तो ये चीजें भी इसमें आती है। इसके द्वारा उद्देश्य क्या है, इसके द्वारा शिक्षक डेटा का विश्लेषण करते हैं और अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने की कार्य योजना भी बनाते हैं। तो समय सारणी टॉपिक हो गया, डेटा मीटिंग हो गया, स्टाफ मीटिंग हो गया, पीटीएम हो गया, एसएमसी हो गया, स्कूल असेंबली, वार्षिक कैलेंडर, माने शिक्षण अधिगम को मजबूत करने के लिए स्कूल प्रक्रियाओं मंचों का उपयोग, विद्यालय संगठन नेतृत्व का, यह टॉपिक भी आपका समाप्त हुआ। और आगे चलते हैं हम अगले यूनिट की तरफ। यूनिट भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी भी स्क्रीनशॉट आप चाहे रख लें। ये भी यूनिट 2 है लेकिन टॉपिक 17 है। कहेंगे सर ये तो टॉपिक क्या, मत तो पेज नंबर टॉपिक पर नहीं जाइए, जो हम पढ़ा रहे हैं बस उस पर फोकस रहिए। अनुदेशात्मक सामग्री व संस्थान। अब अनुदेशात्मक का मतलब है निर्देश देना, अर्थात जो वस्तुएं निर्देश देने का कार्य करती हैं उन्हें अनुदेशात्मक सामग्री कहते हैं। अगर हम शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में कहें तो एक शिक्षक जिन वस्तुओं से बालकों को निर्देश देता है उन्हें हम अनुदेशात्मक सामग्री कहते हैं, जैसे पुस्तक और टीएलएम। कुछ शॉर्ट फॉर्म आ रहे हैं, आप लोग को लग रहा है सर फुल फॉर्म क्यों नहीं लिख रहे हैं, फुल फॉर्म आपको बताना है और याद भी करना है। टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। तो टीएलएम से भी टीचर बच्चों को निर्देश देने का काम करता है, पुस्तक से भी लेता है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, आपको बताना है। अब आगे में भी नहीं बताएंगे, आपसे ही पूछेंगे। प्रयोग क्यों, इसके माध्यम से अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर और प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगली टॉपिक है आईसीटी, शिक्षण अधिगम के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, आईसीटी। आईटी मुख्य तक कंप्यूटर प्रणाली, इससे जुड़ी तकनीकी से, अगर आईटी की बात करें तो सीधा कंप्यूटर है, लेकिन आईसीटी की जब बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करता है। इसका संबंध कंप्यूटर प्रणाली के साथ साथ टेली कम्युनिकेशन, वायरलेस स्टोरेज आदि से भी है। आईसीटी की मुख्य विशेषता क्या है, डिजिटल जानकारी को संग्रहित करना, पुनः प्राप्त करना, बदलाव करना। अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में हम मोबाइल, इंटरनेट, टैबलेट, टीवी, रेडियो जैसे तकनीकों का प्रयोग करके शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं अपने घर से बैठ के पढ़ा रहा हूं और आप अपने घर पे बैठ कर पढ़ रहे हैं, ये आईसीटी का इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं क्या दूं। आप एक बार पढ़ने के बाद अगर मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाता, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता तो इरेज कर देता, खत्म। लेकिन यहां जितनी बार चाहे देख सकते हैं, हो सकता है इस क्लास के टाइम में भी नहीं देख पाए, बाद में देख लें। क्या स्कूल में हो सकता है जो आप टीचर पढ़ा दे कुछ देर बाद, सर मुझे वही फिर से पढ़ना है, तो टीचर को फिर से पढ़ानी पड़ेगी। आप खुद जितनी बार चाहे पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लें, लिखना भी नहीं पड़ रहा है, देख लें। तो यही आईसीटी, मतलब जो आपको ऑफलाइन क्लास, मतलब व्हाइट बोर्ड वाली क्लास में नहीं मिल पाती, और यहां जो है वही आईसीटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अंतर है, विशेषता है, कमी है, जो सब कुछ वही है। मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे। जी हाँ, आईसीटी के शैक्षिक उपयोग क्यों आ सकता, यहां पे ध्यान से देखिएगा। शैक्षिक संसाधनों के स्रोत के रूप में है, शैक्षिक सूचनाओं का तत्काल उपलब्धता है, समूह में लोग सीखते हैं, कक्षा शिक्षण भी हो पाता है। अब इसमें क्या है, कौशल का विकास, इसका उपयोग हो गया, इसकी आवश्यकता क्यों है, कौशल का विकास, शिक्षक प्रशिक्षण ऑनलाइन भी हो रहा है ना, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग, देख के सुनकर पढ़कर ऑनलाइन शिक्षा, माने अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आईसीटी का उपकरण बहुत ही योगदान, जैसे प्रोजेक्टर है, ठीक है, आपका डिजिटल बोर्ड है, ये सब क्या है, टीवी है, ये सब अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आईसीटी के उपकरण जो बहुत ही योगदान देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को इसका पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रश्न, कोई सवाल आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चलिए, दक्षता आधारित शिक्षा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। अब दक्षता आधारित शिक्षा सीखने के लिए समय कैसे निर्धारित किया जाए, उसके बजाय इस बात पर बल देती है कि बच्चे दक्षताओं का प्रदर्शन कैसे करते हैं। यह शिक्षार्थी माने बच्चों के समग्र विकास पर
केंद्रित है। तो याद रखिएगा, एक टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए यह भी है। उम्मीद करते हैं यहां तक का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, शिक्षा में परिप्रेक्ष्य। अब यहां पर आपके सामने आ गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005। फिर से मेरा सवाल आपसे है कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए। मैंने ऊपर ही आपको बताया था, देखिए जब सवाल का जवाब देते हैं, कमेंट करते हैं, तो आपकी अभिव्यक्ति का विकास होता है। आप गलत है सही होगा गोली थोड़ी ना मार देंगे यहां से हम आपको, लेकिन हाँ आपके अंदर की अभिव्यक्ति जागेगी और आप पॉजिटिव होंगे। इसलिए सवालों का जवाब दिया करिए, नहीं आ रहा तो गूगल करके लीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। अब देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को बढ़ावा देता है। हो सकता है आपको जूम छोटा हो, कम दिखाई दे रहा हो, छोटा छोटा दिखाई दे रहा हो, लेकिन आवाज तो सुनाई दे रही है ना। वह एनसीएफ 2005 रचनात्मकता के सिद्धांत पर आधारित है। पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का आरंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के अंश से, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता और प्रगति के अंश से है। एनसीएफ 2005 शिक्षा के उन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयामों की वाहिनता पर चर्चा व तार्किक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। अब शिक्षा के व्यापक उद्देश्य क्या क्या है? विचार और कर्म की स्वतंत्रता, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, नई परिस्थितियों का सामना करना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी, आर्थिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक बदलाव में योगदान की क्षमता विकसित करना। तो ये शिक्षा के व्यापक उद्देश्य के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लाइन थी जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी। आगे चलते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शैक्षिक उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए एनसीएफ 2005 के अध्यायों का विवरण। प्रथम अध्याय परिप्रेक्ष्य, इसमें शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए इस पर बल दिया गया है। पाठ्यचर्या निर्माण के पांच निर्देश सिद्धांत हैं, और ये पांचों निर्देश सिद्धांत को हम लोग पढ़ते हैं। पहला, ज्ञान को स्कूल की बाहरी जीवन से जोड़ना, माने जो पढ़ा रहे हो ना उसे बाहर की दुनिया से जोड़कर पढ़ाना। पढ़ाई रटन विद्या से मुक्त हो, इसको अगर समझ लेंगे ना प्रश्न भूत आएगा नहीं। अगर इसके टॉपिक को पांचों निर्देशक सिद्धांत को समझ लिया तो कम से कम आपके परीक्षा में 4 प्रश्न आप सही करेंगे। जी हाँ, इस केवीएस के 60 नंबर की सीरीज में ही। आगे देखते हैं, पाठ्यचर्या संवर्धन, परीक्षा को लचीला बनाना, कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। ऐसा नहीं कि आप सवाल पूछे, उनकी परीक्षा करें, उनकी योग्यता निर्धारित करें, ऐसा नहीं, उन्हें लचीला बनाना है। एक ऐसी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। ये इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, मतलब कक्षा कक्ष के अंदर आप सोच कर जा रहे हैं आज हम जाएंगे बच्चों को भाग पढ़ाएंगे। अब जाते हैं कक्षा कक्ष में, बच्चे कहते हैं नहीं सर आज खेलने का मन है, आज नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चे ज्यादा लोग कह रहे हैं ठीक है बच्चों चलो खेलते हैं, अब उनको खेल खेल में ही भाग पढ़ाइए। तो ज्यादा लोग बच्चे कहें और कुछ बच्चे नहीं सर आज पढ़ाइए, तो ज्यादा लोग कह रहे खेलो तो खेलने दीजिए, तो वही बच्चों के अंदर होगा कि हम लोग ज्यादा लोग जो कहे वही सर ने किया। तो बच्चों के अंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों का भी विकास होगा। इस पर हम लोग इंटरव्यू के माध्यम से चर्चा करेंगे और उस पर भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए यहां तक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक को आप नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट करते चलिए। अब इसमें द्वितीय अध्याय सीखना और ज्ञान, इसमें ज्ञान की प्रकृति बच्चों को सीखने की कार्यनीतियों की चर्चा की गई है। तीसरा अध्याय पाठ्यचर्या के क्षेत्र, इनमें कुछ सुझावों को सैद्धांतिक आधारों का निरूपण किया गया जो पाठ्यचर्या के लिए दिए गए। चतुर्थ अध्याय की बात करें तो विद्यालय व कक्षा का वातावरण, इसमें बच्चों के अधिगम कक्षा और विद्यालय का वातावरण कैसे प्रभावित करता है। पंचम अध्याय व्यवस्थागत सुधार, इसमें वर्तमान स्कूली व्यवस्था को किस प्रकार व्यापक व्यवस्थागत सुधारों की जरूरत होगी। आप इसके स्क्रीनशॉट रख लें, अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा हो परेशान ना हो, पढ़ने के बाद पूरा लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। वैसे वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, मोहित सर ने बड़ी मेहनत से इसको लिखा है। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आरटी, राइट टू एजुकेशन, मैंने ऊपर पूछा था फुल फॉर्म। परिचय, 1870 में ब्रिटेन में आरटी एक्ट पारित हुआ। सर्वप्रथम निशुल्क अनिवार्य शिक्षा की मांग ज्योतिबा फुले द्वारा हंटर कमीशन 1882 में रखा गया।
1906 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, 1937 में महात्मा गांधी जी के द्वारा वर्धा में, 1948-49 में संविधान सभा के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात की गई। इसे 6वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 क में शामिल किया गया। राज्य, अगर हम राज्य की बात करें, अगर हम यहां पे राज्य की बात करें तो राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के वाले सभी बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का ऐसी रीति जो राज्य की विधि अवधारणा द्वारा बंद करेगा, माने 6 से 14 तक बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार राज्य की जिम्मेदारी है। भारत के 6 से 14 वर्ष के बीच आने वाले सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा देना है। ये 6वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल अधिकार हिस्सा अनुच्छेद 21 का बनाया गया था। अब आरटी 2009 को कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट में भी आपके सवाल आ चुके हैं। इसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं, आइए इन पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण धाराओं की बात कर रहे हैं। धारा 2 ग, स्क्रीनशॉट कर लिया आपने ना, धारा 2 ग, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के समस्त लड़के व लड़कियों को बालक शब्द के रूप में, ऐसा नहीं कि बालक का मतलब बच्चों का मतलब, सभी बालक और बालिका के लिए हम बालक शब्द का ही प्रयोग करेंगे। धारा 16 अंकों के आधार पर फेल ना करना, इंपॉर्टेंट है। धारा 17 शारीरिक दंड मानसिक प्रताड़ना नहीं देना है। धारा 24 शिक्षकों के कर्तव्य, धारा 24 एसएमसी गठन, धारा 21 एसएमसी गठन ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया था। धारा 27 शिक्षक के गैर शैक्षिक कार्य न करने के लिए यहाँ पे बात की गई है। धारा 28 ट्यूशन कार्य प्रतिबंध, मतलब कोई भी ट्यूशन नहीं दे सकते। धारा 29 मूल्यांकन और पाठ्यक्रम के बारे में। धारा 30 बोर्ड परीक्षा की समाप्ति। तो ये धाराएं इंपॉर्टेंट जो हम वो हैं, बाकी कंप्लीट धारा लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर जाएंगे, वहां पे सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहां पर भी सभी धाराओं के बारे में एक तरफ से आपको मिल जाएगा। अगले यूनिट की तरफ चलते हैं जो आपके सामने है, यूनिट फॉर अधिगमकर्ता के को समझना। किसको, अधिगमकर्ता को समझना। इसमें है विकास के सिद्धांत। आइए विकास सिद्धांत को समझते हैं। जब किसी बच्चे का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो कुछ बदलाव दिखते हैं जो विकास के सिद्धांत के तहत होते हैं। इसमें व्यक्तिगतता का सिद्धांत, माने इस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी अलग अलग होती है। सही बात है, आपने पढ़ा भी होगा इसको। निरंतरता का विकास, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया, जो विकास की प्रक्रिया होती है निरंतर चलती रहती है। इसकी गति कभी धीमी कभी तेज होती लेकिन रुकती नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। अगला है आपके सामने एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले अपने संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलना सीखता है, यह है एकीकरण का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत क्या है, भिन्नता के होने के बाद भी विकास सभी व्यक्तियों में एक निश्चित क्रम में होता है, माने व्यक्ति भिन्नताएं होने के बाद भी विकास एक निश्चित क्रम में होता है, इसे विकास क्रम का सिद्धांत कहते हैं। अपादी, माने सिर से पैर की तरफ, विकास सिर से आरंभ होकर पैर की ओर जाता है, मोस्ट आईएमपी। ये सभी लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन आपकी परीक्षा के लिए। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, माने इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य क्रिया करता है और फिर विशेष क्रियाएं भी करता है। विकास भविष्यवाणी कह जा सकते, देखिए मोहित तेजा सर को जाएंगे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, तेजिशियन पे भी है, वहां पे भी आप मोहित सर के पेज को फॉलो कर सकते हैं और मोहित सर के आईडी पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के मानसिक सामाजिक शारीरिक विकास को देखकर आगे का भी अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे आप लगातार मेहनत से पढ़ रहे हैं, इस क्लास में यहां तक बने हैं और आगे भी पूरी क्लास में बने रहेंगे, तो अनुमान लगाया जा सकता है, आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, बस मेहनत की क्रम इसी तरह से जारी रखेगा। और नोट्स संबंधित कोई सवाल प्रश्न हो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं सभी लोग। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, माने इस सिद्धांत के अनुसार विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी आप जानते हैं। विकास संचयी होता है, माने इस सिद्धांत के अनुसार, ये सब अपने टेट सुपर टेट सॉरी टेट और सीटेट ने पढ़ा होगा, इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक संचयी प्रक्रिया है,
हमें जो बदलाव दिखते हैं वह कई बदलाव का संचय होता है, जिसमें पूर्व की वृद्धि अनुभव भी शामिल होते हैं। विकास संचयी होता है, याद रखिएगा। जो बदलाव दिखते हैं कई बदलाव का संचय होता है। अगले यूनिट की तरफ चलते हैं। यूनिट फर्स्ट यहां पे दिख रहा होगा आपको, अधिगमकर्ता को समझना। विकास पर वाद विवाद की बात की जा रही, अनुवांशिकता वर्सेस वातावरण। व्यक्तित्व के विकास में अनुवांशिकता का महत्व है। वातावरण का ये आज भी विवाद का विषय है। आंशिक अनुवांशिक स्वतः विकसित होते हैं, जबकि वातावरणीय गुण प्रयास पूर्ण होते हैं। जो वातावरण गुण है तो प्रयास के पूर्ण होते हैं, और जो अनुवांशिक गुण है वो स्वतः विकसित हो जाते हैं। अनुवांशिकता को मानने वाले मेंडल, गाल्टन, लैमार्क ने व्यक्तित्व विकास में अनुवांशिकता को महत्वपूर्ण माना है। वातावरण को मानने वाले व्यक्तित्व विकास को वातावरण को महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। वाटसन, मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूंगा बना सकता हूं। ये मोस्ट आईएमपी ये पूछा जाता है। जिस ही व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं गुणों का निर्धारण होते हैं। बालक के रंग, रूप, आकार, ऊंचाई, शारीरिक गठन इत्यादि के निर्धारण उसके अनुवांशिक गुणों के में महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव व्यक्तित्व अनुवांशिकता वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया सबका? अच्छा, नहीं दिखाई दे रहा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला है आपके सामने परिपक्वता वश अधिगम, माने व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में परिपक्वता और अधिगम महत्वपूर्ण कारक है, जो विवाद का विषय भी है। आगे देखते हैं, अनुवांशिक गुणों के क्रम स्वतः विकसित होने की प्रक्रिया परिपक्वता। ऐसे गुण जो प्रयास पूर्ण होते हैं उसे अधिगम, जैसे बच्चा घुटनों के बल चलना, पैरों पर चलना, ये क्या हो गए? ये अनुवांशिक गुणों क्रम स्वतः विकसित हो जाते हैं। पहले बच्चे घुटनों के बल चलता, फिर पैरों के बल चलता, फिर खड़ा होकर चलता है। लेकिन अगर हम प्रयास पूर्ण पढ़ना लिखना मेहनत करेंगे तो सीखेंगे, नहीं मेहनत करेंगे नहीं सीखेंगे, तो ये क्या हो गया? ये अधिगम हो गया। परिपक्वता शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, लेकिन अधिगम व्यवहारिक परिवर्तन से। अब आपके व्यवहार से पता चल रहा है, आपकी मेहनत से पता चल रहा है, आप कल के शिक्षक या शिक्षिका जरूर बनने वाले हैं। तो यही है परिपक्वता और अधिगम में अंतर। व्यक्तित्व के विकास के लिए दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं, तथा इन दोनों ही प्रक्रियाओं में नए नए गुण भी विकसित होते हैं। इसकी भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। निरंतरता व अशांत या अनिरंतरता की बात करें, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन अनिरंतर यह भी विवाद का विषय है। वाइगोत्स्की जी के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास धीरे धीरे निरंतर होता रहता है। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, जबकि एरिक्सन, जीन पियाजे, फ्रायट, कोलबर्ग आदि के अनुसार विकास अनिरंतर है, उम्र के अनुसार चरणों में होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने यहां तक की स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख ली होगी। हम इसी के साथ बढ़ते हैं इसके अगले सेशन में, अगले टॉपिक की तरफ। यूनिट सेकेंड, शिक्षण अधिगम को समझना। अनुदेशात्मक योजनाएं, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ योजना, ये सब आपकी परीक्षा के सिलेबस में है और इंपॉर्टेंट है। पेज 5, यूनिट टॉपिक 16, तो वो इस सब चीजों पर मत जाइए, टॉपिक पर जाइए। अनुदेशात्मक योजना क्या है? कक्षा कक्ष की योजनाओं को 3 योजनाओं में बांटा जा सकता है, जिसमें वार्षिक योजना, इकाई योजना और पाठ योजना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वार्षिक योजना। वार्षिक योजना क्या है? वार्षिक योजना शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में तैयार की जाती है। इसमें सारे क्रियाकलाप होते हैं जिन्हें शिक्षक पूरे वर्ष करवाना चाहता है। वार्षिक योजना के अंग प्रयोग, प्रदर्शन, भ्रमण, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, वार्षिक योजना क्या है। अगला है इकाई योजना, मतलब एक इकाई योजना पाठ योजना के ही समान होती है। अंतर सिर्फ इतना है, इसमें कार्य की पूरी इकाई को शामिल किया जाता है। इसका विस्तार कई दिन या सप्ताह हो सकता है। बात हम पाठ योजना की करें तो यह एक पाठ योजना शिक्षक की रणनीतियों से संबंधित होती है। इसमें शिक्षक पाठ के दौरान क्या क्या करेगा उसका लिखित प्रारूप पाठ योजना होती है। पाठ योजना में शामिल होते हैं लक्ष्य, लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य प्राप्ति कितनी हुई है, तो यह पाठ योजना में शामिल होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग वार्षिक योजना, इकाई योजना
पांच योजना को समझ गए हो जो अनुदेशात्मक योजना के अंतर्गत आते हैं। अब यहां तक अगर किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तब यहां पे पूछ सकता है। अब मानदंड पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? मानदंड। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कर दीजिए, इतना तो सपोर्ट करिए लोगों तक पहुंचाने के लिए। मानदंड क्या है? क्रमानुसार संगठित हो, बालकों के व्यक्तित्व का समग्र विकास शामिल हो, बालकों की आवश्यकताएं, क्षमताओं और रुचियों का ध्यान में रखा जाए, योजना लचीली होनी चाहिए। योजना कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए। अगला है आपके सामने अनुकूलन अधिगम वातावरण का निर्माण। अब आपके सामने पेज एक आ गया होगा, आप कहेंगे सर ये तो कैसा उल्टा फुल्टा पड़ा। मैंने कहा ना टॉपिक पर ही फोकस करिए। टॉपिक एक है विविधता की अवधारणा, अक्षमता, समावेशन, समाज निर्माण के रूप में अक्षमता का निर्धारण, अक्षमता के प्रकार, उनकी पहचान। यहां पे पहचान लिखा नहीं, पहचान होगा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना है भिन्नताएं विविधताओं को जन्म देती हैं, सही बात है। एकजुटता विविधताओं को संरक्षित करती है, सही जी। अब इसको समझिए, आपने इसको क्या समझा कॉमेंट करके बताइए, इसका मतलब आपने क्या निकाला। विविधता की बात करते हैं हम लोग, हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। आप भी हमसे भिन्न है और अपने भाई से भी भिन्न है, अपनी बहन से भी भिन्न है। उनका रहन सहन, खान पान, धर्म त्यौहार भिन्न होते हैं। जैसे हम समाज में, जैसे समाज की अगर हम बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धिक, जैन, कई प्रकार के लोग हैं। तो इनका रहन सहन, खान पान, धर्म त्यौहार भिन्न भिन्न होते हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत विविधताओं वाला देश कहा जाता है। विद्यालय की शैक्षिक प्रगति के लिए विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एनसीएफ 2005, आरटी 2009 आने के बाद विद्यालय में विविधता को एक संसाधन के रूप में देखा गया है। मोस्ट आईएमपी है, विद्यालय में विभिन्नता एक संसाधन के रूप में देखी जाती है। शिक्षक के रूप में इतनी विविधता से भरे बच्चों को हमें कक्षा के भीतर सीखने का समावेशी वातावरण देना होता है। आइए हम बात करते हैं, आपके सामने है समावेशी शिक्षा। आपके सामने क्या है? समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा जो सभी बच्चों के लिए हो। विद्यालय में विविधताओं से भरे सभी प्रकार के बच्चे एक साथ एक कक्षा में शिक्षा देना ही समावेशी कक्षा है। आई समावेशी कक्षा के बारे में जानते हैं, टॉपिक भी आपके सिलेबस में भी है, हमने कई बार आपको पढ़ाया भी, इसकी नोट्स भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। विद्यालय में नामांकित सभी बच्चों के लिए होता है। बच्चों में आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है जिनमें सभी बच्चे अपने स्तर और क्षमता के अनुसार शामिल होते हैं। बच्चों के शारीरिक मानसिक स्तर खास ध्यान रखा जाता है। समावेशी शिक्षा कमजोर, प्रतिभाशाली, दिव्यांगता आदि की कोई भेदभाव नहीं करता, सभी के लिए समान शिक्षा की बात करता है। सभी बच्चों को सम्मान, अपनेपन की संस्कृति के साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करता है। अब इनकी विशेषता तो हमने देख लिया। विद्यालय को एक सामाजिक संस्था के रूप में विकसित करने के लिए प्रमुख को यह प्रयास करना चाहिए कि विभिन्न धर्म, वर्ग, जाति, भिन्न भिन्न आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले अलग अलग क्षमता युक्त बच्चों को एक साथ अध्ययन करने पर कच्चा कच्चा वातावरण अधिक समृद्ध और प्रेरक हो। धर्म, जाति, मजहब, भाषा, रंग रूप, लिंग आदि के आधार पर अलग अलग होने के बाद भी अपनी क्षमताओं में भी अलग अलग है, लेकिन जब हम एक कक्षा में पिरोते हैं, एक माला में पिरोते हैं, वही हमारी समावेशी कक्षा हो जाती है। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए अधिगम अनुभव को विविधता एक अनिवार्य शर्त है। बच्चों को ध्यान खींचने के लिए व किसी विषय वस्तु को समझने के लिए अधिगम में विविधता पूर्ण अनुभव को शामिल किया जाए तो शिक्षण प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। समावेशी शिक्षा एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित, इसमें दिव्यांगन बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधि में भाग लेने का हिस्सा होता है। चाहे प्रतिभाशाली हो, मंद बुद्धि बालक हो, जड़ बुद्धि बालक हो, सामान्य बालक हो, दिव्यांग बालक हो, सभी एक साथ। कहा जा सकता है समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधताओं को स्वीकार करने की एक मनोवृत्ति है। कक्षा में समावेशी माहौल का सृजन करने के लिए बच्चों की टीम बनाना,
खेलों का आयोजन समस्या समाधान की प्रक्रिया में शामिल करना, जिसके अंतर्गत विविध क्षमता वाले बच्चों के सामान्य प्रणाली के साथ सीखते हैं। तो यहां पर बहुत सी इंपॉर्टेंट बिंदु था जो हमने और आपने पढ़ लिया और देख लिया। अब अगले यूनिट तक चलते, यूनिट टू, शिक्षण अधिगम को समझना। अब फिर से पेज 14 आपके पास आ गया। तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया था, शायद आपको याद होगा। ठीक है, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, FLN का फुल फॉर्म अभी फिर आपको बताना है। ऊपर मैंने पूछा था, बुनियादी साक्षरता हमने पढ़ा था, बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान पढ़ा था, निपुण भारत मिशन पढ़ा था, प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल पढ़ा था, फिर नई शिक्षा नीति 2020, यह एक टॉपिक है आपके लिए, इस टॉपिक को फिर से आज हम लोग को पढ़नी है। तो नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। यहां पर इसके 5 स्तंभ पर आधारित है, एक्सेस सभी तक पहुंचे, इक्विटी समान भागीदारी, क्वालिटी गुणवत्ता, एकोरिडिविटी किफायती, और अंकाउंटेबिलिटी माने जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी माने जवाबदेही। तो यहां थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, इसकी PDF आप लोग को जब डाउनलोड होगी आपके पास तो आपको इसको सबको समझ में आ जाएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके e-learning with दुर्गेश से डाउनलोड कर सकते हैं, e-learning with दुर्गेश के फेसबुक पेज से, या मोहित सर के फेसबुक पेज से, तेजिशियन फेसबुक पेज से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं, इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इस नीति का मई 2019 में मसौदा तैयार किया गया। 29 जुलाई 2020 को शिक्षा मंत्री, पूर्व मानव विकास संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा इस नीति की घोषणा की गई। यह नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति, इसके पहले इंदिरा गांधी के समय 1968 में, राजीव गांधी के समय 1986 में, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय 2020 में भी लागू की गई। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना, मोस्ट IMP। स्कूल शिक्षा में लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। उच्च शिक्षा में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। तो यहाँ पे नई शिक्षा नीति से जुड़े 3 अहम प्रश्न है जो आपके सामने आपको दिख रहे होंगे, और इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास आप रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएं। वर्तमान शिक्षा नीति 1986 के मॉडल 10+2 से अलग अब 5+3+3+4 के मॉडल पर लागू है। 5वीं कक्षा तक शिक्षा का मॉडल मातृभाषा स्थानीय भाषा है। कक्षा छठवीं में जब जाएगा तो वोकेशन कोर्स शुरू हो जाएगा। स्नातक की डिग्री अवधि 4 वर्ष की हो गई। स्नातक की जो डिग्री है वो कितनी वर्ष की हो गई? अब वह 4 वर्ष की हो गई। 4 वर्ष के स्नातक डिग्री के बाद वह सीधा PhD MPhil खत्म। बालक का शिक्षा, जो लड़की है, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा, इसके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कक्षा 10 से बढ़ाकर 12 तक कर दी गई। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया, और 9 वर्ष तक के बच्चों को साक्षरता और संख्या पर जोर दिया गया। 9 वर्ष तक माने 1 से 3 कही है, 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए कही है। इस नीति निर्धारण की आगामी लक्ष्य क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में निवेश का लक्ष्य कुल GDP का 6%, जो वर्तमान में 4.43% है। 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 2030 तक। UGC, ACTC, NCT को हटाकर अब HEC, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण। स्कूली शिक्षा 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य 2030 तक। उच्च कक्षा में GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% करने का लक्ष्य 2035 तक। छात्रों की प्रगति के लिए मूल्यांकन के लिए परख नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना। इसकी शॉर्ट हो गया। शैक्षिक संरचना क्या है? सबसे नीचे पहला चरण है, 5 वर्ष तक है ये कक्षा आंगनबाड़ी, 3 से 6 वर्ष, ये 3 से 6 वर्ष पहला स्टेज है। कितने वर्ष का हो गया? पहला हो गया आपका ये। फिर पहला चरण में अगला क्या है? कक्षा 1-2 माने 6 से 8, तो हम यहां पे बात करें 3 से लेकर 8 वर्ष तक, कितने हो गए? 5। यहां पे दिख रहे हैं, पहला 5 है, पहला चरण हो गया। दूसरा 3 वर्ष, इसमें क्या होगा?
अच्छा 3 से 5, 3, 4, 5 उम्र हो गई है, 8 से 11। फिर तीसरा चरण है 3 वर्ष का, इसमें क्या है 11, 14 माने 6, 7, 8, 6, 7, 8 ध्यान रहे। फिर उसके बाद सीधा चौथा चरण 4 साल का, इसमें 14 से 18, 9 से 12। तो यहां पर उम्र की अगर हम बात करें तो 3 से 18 वर्ष, 3 से 18 वर्ष। अब आपको समझ में आ गया होगा 5 + 3 + 3 + 4 इसी के रूप में बांटा गया है, इसे 3 से 18 वर्ष के बच्चों में बांटा गया, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है यहाँ पे। तो तीसरा चरण जो है आपका 6 से 14 वर्ष तक के लिए है, उसके बाद डायरेक्ट 8 से 12, ठीक है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया, अब क्या है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। वर्ष 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव विकास संसाधन मंत्रालय कर दिया गया था, मतलब एक बार बदला गया था फिर इसे वापस बदला गया। यहां पर हमने देखा, आप लोगों ने भी पढ़ा कि नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने हेतु कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर वर्ष 2020 में मानव विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया गया। यहां तक अगर आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, वरना इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं कि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप तो रेस के घोड़े हैं। बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, इसको भी पढ़ लेते हैं। बाल विकास का मतलब बालक के विकास की प्रक्रिया से है। बालक के विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत चलती है, विकास के साथ अभिवृद्धि भी जुड़ा हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कि विकास सभी अभिवृद्धियों का योग होता है। विकास के कारण ही बालकों में कार्य क्षमता कार्य कुशलता आती है। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, वैसे आपने इसको पढ़ लिया होगा पहले भी टेट सीटेट में भी। विकास की प्रक्रिया एक क्रमिक और सतत प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक विकास होता है। तो इसकी भी स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिएगा। विकास का अर्थ, अभिवृद्धि का अर्थ, दोनों में अंतर भी हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे। विकास संपूर्ण आकृति का रूप परिवर्तन विकास कहलाता है। विकास शब्द का प्रयोग परिणामात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। विकास अपने आप में विस्तृत अर्थ रखता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। विकास आंतरिक होता है। शारीरिक और मानसिक विकास मिलाकर विकास कहलाता है। आइए अभिवृद्धि का मतलब समझते हैं। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालक के विभिन्न अंगों के आकार में, लंबाई, भार में होने वाले परिवर्तन को हम अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग परिणामात्मक परिवर्तन जैसे आकार बढ़ना, लंबाई बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना इत्यादि के लिए होता है। अभिवृद्धि का क्षेत्र सीमित है लेकिन विकास का नहीं। अभिवृद्धि का प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया जो आजीवन चलती रहती है। अभिवृद्धि बाह्य होती है लेकिन विकास आंतरिक होता है। ठीक है, आप जिसे पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ा आपने, कितना सीखा, ये आपके ज्ञान का विकास हो रहा है। ये दिखाई भी नहीं दे रहा लेकिन लगातार चलती रहती है, विस्तृत भी है। मानव विकास का क्षेत्र है शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। ठीक है, अधिगम अक्षमताएं, ये आप लोगों ने समावेशी कक्षा में भी पढ़ा होगा, समावेशी वाली जो लेक्चर हमने भी पढ़ाया था उसमें भी पढ़ा होगा आपने, तो इसको भी देख लीजिएगा। अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने की क्षमता योग्यता की कमी से है। इस शब्द का प्रयोग शल्क्लिक 1963 में किए थे। यहां पर हम देखेंगे अधिगम अक्षमता के प्रकार, वाक्य मौखिक अक्षमता, अफेज्या जिसे हम वाचाघात के नाम से भी जानते हैं, और डिस्फेक्जा लिखने की अक्षमता, अग्राफिया है, डिस्ग्राफिया है, अप्रेक्सिया है, डिस्पेक्सिया है जो मस्तिष्क से जुड़ा विकार होता है। डिस्पेक्सिया क्या है? मस्तिष्क से जुड़ा विकार है। आगे देखते इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। पठन अक्षमता अलेक्सिया है, डिस्लेक्सिया है। देखिए यहां पर दिया है अलेक्सिया शब्द पाठ्य क्षमता, विजुअल अफेक्जा मस्तिष्क में चोट पहुंचने के कारण पढ़ने में क्षमता। ठीक है, गणितीय क्षमता डिसकैलकुलिया माने गणना में कठिनाई, अकेलुकिया अकेलुकिया। तो यह दोनों याद रखिएगा, दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, वैसे मैं जूम आउट कर दे रहा हूं ताकि एक ही बार में आप इसकी स्क्रीनशॉट रख पाए।
उम्मीद करते हैं आपने इसकी स्क्रीनशॉट कर ली होगी। कर लिया है? ठीक। अन्य विकार डिस्थीमिया डिप्रेशन संबंधित है, बुलमिया भोजन का विकार है, प्रोजेरिया वंशानुगत रोग उम्र से पूर्व बुढ़ापा, डिस्मोर्किया या डिस्मोकोविया ये मनोवैज्ञानिक दोष है, तो इनकी भी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ये आपके अधिगम अक्षमताएं हैं। यहां से सवाल एक नंबर का तो फिक्स आपके परीक्षा में आएंगे। अगला पेज है आपके सामने, निःशक्त जन अधिनियम 1995 दिव्यांगता के प्रकार, दृष्टिहीनता, अल्प दृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण क्षतिग्रस्तता, गामक अक्षमता, मानसिक मंदला, मानसिक रूढ़ता। राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, बहुनिशक्तता, दिव्यांगता अधिकार विधेयक 2016। इसके अनुसार पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के 7 प्रकार की बाधाओं को 21 प्रकार विस्तारित किया गया है। पूर्णतः दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि बाधित, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित, बौनापन, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक रूढ़ता, स्वलीनता, प्रमस्तिकी प्रभाव, पेशी दुर्बलता, दीर्घकालीन तंत्रिका तंत्र की स्थिति, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, बहुविधि उत्तक दृढ़न, मूकबाधि, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग, बहुविकलांगता, अम्लाक्रमित व्यक्ति, पार्किंसंस रोग। तो यह दिव्यांगता अधिकार अधिनियम विधेयक 2016 के अनुसार पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के 7 प्रकार की बाधाओं को 21 प्रकार में विस्तारित किया गया, जो आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। आप चाहे तो इनकी स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं, सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अब यहां पे देखेंगे प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके द्वारा हम प्रतिभाशील बच्चों की पहचान कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता क्या होती है, यह से सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर एक पेज आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर एक लाइन, रटने के बजाय समझने में विश्वास, जैसे आप जैसे विश्वास, ठीक है, यहां पर थोड़ा लिखने में एरर हो गया है। चिंतन मौलिक होता है, शब्द भंडार विस्तृत, सृजनशीलता का गुण, ठीक है इसमें, ठीक है सृजनशीलता। प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा, समग्र विकास पर बल, नेतृत्व प्रशिक्षण देना, प्रोत्साहित करना, अवसरों की समानता। धीमी गति सीखने वाले बच्चों की पहचान, शैक्षिक परीक्षण, निरीक्षण प्रविधि, बुद्धि परीक्षण, चिकित्सा परीक्षण। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की शिक्षा, शिक्षक द्वारा बच्चों का अवलोकन, क्रियात्मक विधियों का प्रयोग, अभिक्रमित अनुदेशन करना। तो धीमी गति सीखने वाले बच्चों की शिक्षा यहां पर देख लीजिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है और यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शिक्षण अधिगम सामग्री, पूर्ण दृष्टिबाधित के लिए ब्रेल पुस्तक है, टेक्सटाइल ग्राफिक्स है, ध्वनियुक्त घड़ी आदि। श्रवण बाधित के लिए चार्ट्स, मॉडल, वर्ब कार्ड्स, ब्लॉक्स। धीमी गति सीखने वाले बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड है, पिक्चर्स है, एल्बम है, वीडियो रिकॉर्डिंग है आदि। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से भी परीक्षाओं में सवाल आते हैं, झोला भर भर के आते हैं। अब है पॉक्सो, आपने पढ़ा होगा पॉक्सो एक्ट, बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम 2012। भारत सरकार ने बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों को रोकथाम के लिए एक विशेष कानून बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के लिए विभिन्न यौन संबंधित अपराधों से बचना, त्वरित निर्णय के लिए विशेष अदालत का गठन। इस एक्ट के तहत कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। यौन अपराध, इस एक्ट के अंतर्गत 5 प्रकार के यौन अपराध माने गए हैं। भेदन यौन हमला धारा 3, उत्तेजित भेदन यौन हमला धारा 5, यौन हमला सेक्सुअल धारा 7, उत्तेजित यौन हमला धारा 9, यौन उत्पीड़न धारा 11। तो यहां पे सभी धाराओं के बारे में दिया गया है। धारा 12 के तहत अपराधी को कम से कम 3 वर्ष की सजा, धारा 12 देख रहे हैं ना, यौन उत्पीड़न। फिर धारा 10 के तहत अपराधी कम से कम 5 वर्ष कारावास जुर्माना, धारा 8 के तहत कम से कम 3 वर्ष कारावास और जुर्माना, धारा 6 के तहत अपराधी कम से कम 10 वर्ष कारावास और जुर्माना, धारा 4 के तहत अपराधी कम से कम 7 वर्ष कारावास और जुर्माना। यौन भेदभाव के लिए यहाँ पर मतलब देखिए यहाँ पे सब मिलान किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है किसके लिए क्या क्या है। यौन अपराध यहाँ पे सजा का प्रावधान किया गया है। अब है यहाँ पे देखिए पेज थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इस पेज को ऊपर होना चाहिए था क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया था।
जो निषिद्ध जन है, यहाँ पे यही पेज दोबारा आ गया है, तो उम्मीद करते हैं आपने पढ़ा होगा। अधिगम, अधिगम परिभाषा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ से परीक्षा में आपके सवाल आते हैं। देखिए अधिगम, अधिगम का अर्थ है सीखना, या आप भी जानते हैं, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास अनुभव के कारण अस्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। परिभाषाएं कुछ बुढ़वर्त के अनुसार, नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया। गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गेट्स के अनुसार अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार का शोध है। क्रोन क्रो के अनुसार आदत ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही अधिगम है। स्किनर के अनुसार व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सीखने की इच्छा, सीखने का समय, सीखने की तत्परता, सीखने का समय, रुचि बुद्धि का स्तर, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षक से जुड़े कारक क्या हैं? शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का व्यक्तित्व, मनोविज्ञान का ज्ञान, बाल केंद्रित शिक्षा। वातावरण से जुड़े कारक कक्षा का अनुशासन, सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण। पाठ्यवस्तु जुड़े कारण पाठ्यवस्तु की प्रकृति। अब पढ़ते हैं अधिगम के सिद्धांत। देखिए आप लोग टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा। ये वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचेगा। तेजिशियन पेज को भी आप फॉलो करिएगा और मोहित सर के आईडी को भी फॉलो करके रखिएगा। व्यवहारवादी सिद्धांत, थार्नडाइक, वाटसन, पावलोव, स्किनर, सीएलहल। संज्ञानात्मक सिद्धांत, मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कर्ट लेविन, टालमैन। सामाजिक संरचनावादी, वाइगोत्स्की। अब यहाँ पे अधिगम धीरे धीरे होता है। पुनर्बलन, अनुक्रिया, उद्दीपन, अभिप्रेरणा। अधिगम अचानक होता है, जो रचनात्मक सिद्धांत वाले कह रहे हैं अधिगम अचानक होता है। अब व्यवहारिक सिद्धांत कहते हैं कि अधिगम धीरे धीरे होता है। इसमें संवेदना, बुद्धि, संज्ञान, प्रत्यक्षीकरण, समस्या, ये संज्ञानात्मक सिद्धांत के लोग का ये मानना है, इनका मानना है। पुनर्वलन, अनुक्रिया, उद्दीपन, अभिप्रेरणा, ये थार्नडाइक, वाटसन, पावलोव, स्किनर और सीएलहल का। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला है जन्म स्विट्जरलैंड में जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। स्कीमाटा, अनुभव को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना को स्कीमाटा कहते हैं, माने मानसिक संक्रियाओं से। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संप्रत्यय, संगठन, प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक संरचनाओं को सही तरीके से बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना। अनुकूलन, इसमें बालक अपने को बाहरी वातावरण के साथ समायोजन करने की कोशिश करता है। आत्मसातीकरण, माने पुरानी बौद्धिक क्रियाओं को नई क्रिया के साथ समायोजित करना। समिष्टिकरण, इसमें बालक नए अनुभव की दृष्टि से पूर्ववर्ती संरचना में सुधार लाने की कोशिश करता है। साम्य धारणा, इसके द्वारा बालक आत्मसातीकरण व समविष्टिकरण के बीच संतुलन स्थापित करता है। संरक्षण, वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता के समझने तथा वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्व में परिवर्तन के अंतर की प्रक्रिया। मानसिक प्रचालन संक्रिया, समस्या समाधान शुरू करने पर मानसिक संक्रियाओं को संक्रिय बना जाती है। स्कीम्स, जब मानसिक प्रचालन बाह्य रूप से अभिव्यक्त होता है। स्कीमा, ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण संभव हो। मस्तिष्क में किसी वस्तु का चित्र बना होता है, जब हम वस्तु को कहीं देखते हैं तो मस्तिष्क वही चित्र बन जाती है, इसे स्कीमा कहते हैं। जैसे पापा का चित्र देखते हैं, पापा नाम का आपके दिमाग में चित्र बन गया तो स्कीमा हो गया। विकेंद्रण, इसका संबंध यथार्थ चिंतन से है, जिसका विपरीत आत्मकेंद्रण अंदर से होता है। पारस्परिक क्रिया, बच्चों में खोज करने की क्षमता न केवल बच्चों की प्रौढ़ता पर बल्कि उनके शिक्षण पर भी निर्भर करती है। आइए कुछ और तथ्यों को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं, संवेदन, संवेदी पेशी, इंद्रिय जनित गामक अवस्थाएं 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में शिशु की मानसिक क्रियाएं उसकी इंद्रियों से जुड़ी हुई है, गामक क्रियाओं के रूप में दिखती हैं। जो चीजें सामने होती हैं उसी का शिशु के लिए अस्तित्व होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक काल 2 से 7 वर्ष। पियाजे ने इस अवस्था को संरक्षण का सिद्धांत कहा है। बच्चा अपनी बात कहना शुरू कर देता है, अभिव्यक्ति का माध्यम गामक क्रियाओं के स्थान पर भाषा बनने लगती है। जीववाद, निर्जीव को सजीव समझता है।
संपत्ति का निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बच्चे आत्मकेंद्रित हो जाते हैं, अंतर करने लगते हैं। बच्चे कल्पनाशील होते हैं लेकिन नई चीजें नहीं बना पाते, तर्क पर आधारित चिंतन नहीं कर पाते। अब एक है तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अनौपचारिक संक्रिया काल 7 से 11 वर्ष का होता है। इसमें संपत्तियों की स्पष्ट समझ, विचारों में तार्किकता का क्रमवत्ता आना शुरू, कल्पनाशीलता का यथार्थ पर आधारित होने लगती है। चौथा जो है अमूर्त औपचारिक संक्रियाओं का काल जो 11 से 15 वर्ष में होता है। इसमें संपत्ति की पूर्व समझ आ जाती है, अमूर्त तथ्यों पर विचार करने लगता है, भाषाई दक्षता, सोच, तर्क, कल्पना, निरीक्षण आदि का प्रयोग करने के योग्य। तो इसी के साथ आपका सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। कोई आपका व्यक्तिगत सवाल हो तो इलर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पे आप सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक पे अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इलर्निंग विद दुर्गेश को फॉलो करेगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, पैसे आपके नहीं कटेंगे। और ऑनलाइन नोट्स के लिए आप घर बैठे अगर नोट्स की जानकारी चाहते हैं तो इलर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ सभी क्लास के नोट्स आपको उपलब्ध होंगे। और तेजस सर के नोट्स के लिए आप इलर्निंग विद दुर्गेश पे तेजस सर को फॉलो कर सकते हैं, तेजिशियन को, और जहाँ पर आपको सभी नोट्स उनके हैंड रिटन मिल जाएंगे। उनकी बहुत सारी किताबें आती हैं, उनकी किताबों को भी आप पढ़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आपने ये क्लास पूरी समझ ली होगी। और केवीएस के सभी नोट्स, अगर आप केवीएस के आपको नोट्स चाहिए पूरे पीडीएफ सभी नोट्स, तो आप इलर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी की किताबें 6 से लेकर 12 तक के इलर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर एनसीईआरटी की सभी नोट्स मिल जाएंगी, जो आप हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है, सभी विषयों की है, जिसमें आपको विज्ञान में तीनों विज्ञान मिल जाएगा, एसएसटी सभी मिल जाएगा, सोशल मिल जाएगा, हिंदी अंग्रेजी, मतलब सभी विषय एनसीईआरटी की जो आती किताब जो आपकी चलती कक्षाओं में, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी के नोट्स इलर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है। आज ही प्ले स्टोर से इलर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड करिएगा और अपने सपनों को उड़ान के ऊपर ले जाइएगा। यह पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आपका कोई सवाल कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसको पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस सेट पर फोकस करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो या सीरीज आपके लिए बहुत ही अहम बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को फटाफट अपने साथी मित्रों को शेयर करिएगा। मिलते एक नए सेशन एक नए क्लास में, तब तक के लिए सभी के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों को नहीं पहुंचा तो लोगों तक पहुंचाएगा, कर भला तो हो भला। उम्मीद करते हैं इससे बाहर आपके परीक्षा में सवाल नहीं आएगा, प्रैक्टिस पर फोकस करिएगा। जो टॉपिक आपको समझ में आए कमेंट करिएगा, इसके लिए और अच्छे से वीडियो बना देंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको नहीं समझ में आ रहा, उस टॉपिक पर भी हम और वीडियो बना देंगे। बस अपने सवाल हम तक पहुंचाइएगा, जो भी दिक्कत होगी। बाकी मोहित सर आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं और आपका परिवार आपके साथ है। और आप हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, सकारात्मक रहिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की बार हर हाल में एक सीट हमार। आप सभी को बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए सेशन में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू। हाँ, शेयर करना आपका काम है, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।